राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण में। और जिस समय की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस खेड़ की लठमार हो रही के लिए, वो खेड़ अब आ चुका है बिल्कुल नजदीक बरसाना में, क्योंकि ब्रज के जो हुरियारे हैं नंदगांव के, वो आ चुके हैं बरसाना में। और ये प्रिया कुंड है, यहाँ पे सभी हुरियारे एक साथ इकट्ठा होते हैं और यहाँ से वो तैयार होकर सब इकट्ठा होने के बाद जाएंगे रंगीली गली में और बरसाना के अंदर। वहाँ पे लट्ठों से हुरियारे उनका इंतजार कर रही हैं और उनके साथ लठमार होली खेलेंगी। और जो हुरियारे हैं नंदगांव के, यहाँ पे तैयार होने के बाद सबसे पहले वो राधा रानी के मंदिर पे जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद रंगीली गली में आकर लठमार होली खेलेंगे। तो ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो नंदगांव के हुरियारे हैं अपनी ढाल को तैयार कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे इस आनंद के साथ वो आए हैं। प्रत्येक वर्ष वो प्रतीक्षा करते हैं इस खेल के लिए कि लठमार होली खेलने के लिए उन्हें बरसाना जाना है, हर वर्ष की बात ही। और यहाँ पे जो ये देखिए किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं, लठमार होली की तैयारी कर रहे हैं आप। तो ढाल कहाँ है आपकी? ये देखिए सभी नौजवान और बुजुर्ग किस तरह से उत्साह में भाग ले रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे सभी हुरियारे इकट्ठे हो गए हैं और अपनी ढालों को तैयार कर रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से हुरियारे ने हैं जो बरसाने की उनसे बचाया जाए। जैसे कि सब हुरियारे नंदगांव से आ गए हैं, कुछ हुरियारे हैं उनसे हम बात करते हैं। राधे राधे। ये जो परंपरा है ब्रज की होली की, लठमार होली की, आप सब नंदगांव से जैसे आ गए तो ये प्रियाकुंड पे ही क्यों रुकते हैं और यहाँ सब क्या करते हैं? प्रियाकुंड हमारे ठाकुर जी का, राधा रानी का, दोनों का मिलन का कुंड है जी। ये मिलन की जगह है। प्रिया जी यहाँ ठाकुर जी को आके मिली थी, तो यहीं से ठाकुर जी ने होली का मेला लगाया था कि हम होली खेलने आ रहे हैं। यहाँ आके ठाकुर जी के सभी सखा इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी पगड़ियों की तैयारी की और उसके बाद राधा रानी को टेर लगा के सीधे मंदिर की तरफ गई। ये होली बहुत पारंपरिक होली है, जो भी हमारे ठाकुर जी ने किया था उस परंपरा पे आज भी हम वर्तमान में चलते हैं। सभी जितने भी नंदगांव वाले हुरियारे हैं वो यहाँ आके अपनी पगड़ियों को दुरुस्त करते हैं, क्योंकि गोपियां वहाँ लाठी लेके खड़ी हुई है। उन लाठियों से हमें बचाव करने के लिए हमें नाना प्रकार की अपनी वेशभूषा बनानी पड़ती है, जिससे हम उनको रिझाएं, हंसाएं, उनसे टिटौली करें और उनके सामने इस तरीका की बातें बोले जिससे वो उनको हंसी आके वो लाठी जो है गुस्से में आके ना मारे, प्यार से मारे, जो लाठी हमारे शरीर पे नुकसान ना पहुंचाए, हमारे शरीर पे जो किसी की प्रकार की क्षति ना पहुंचाए। ऐसे हमारे भगवान कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की थी यहाँ, तो भगवान के कृष्ण के जितने भी सखाते हुए यहाँ के इकट्ठे हुए थे, इसीलिए इस जगह का नाम प्रिया कुंड। यहाँ एक तालाब था पहले भी भगवान श्री कृष्ण के 5000 वर्ष पहले भी, तो उस समय का जब प्रिया कुंड है, तो प्रिया कुंड पे दोनों का प्रिया प्रीतम जी का मिलन हुआ था, इसलिए इसका नाम प्रिया कुंड है। और यही आगे हमारे जो ग्वाल वाले नंदगांव वाले सखाए हुरियारे वो आगे तैयारी करते हैं। लगभग एक साल होता है जब नंदगांव के हुरियारे आते हैं और इस तरह से आप प्रतीक्षा करते हैं आज के दिन के लिए, तो ये समझो कि नंदगांव वाले हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह होता है। आज जैसे ही होली समापन होगी हमें अगले साल का इस दिन का फिर इंतजार शुरू हो जाएगा और हम इसके लिए पूरे साल 365 दिन तैयारी करते हैं, अपने शरीर को दुरुस्त करते हैं, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने गीतों को दुरुस्त करते हैं, अपनी वाणी को दुरुस्त करते हैं, जिससे हम गोपियों को यहाँ आके ले जा सकते हैं। पूरे साल हम तैयारी करते हैं। तो कोई पद या भजन हमें आप सुनाओ या होली को रसिया जरूर सब मिलकर जरूर होली रे रसिया, आज मेरा जो में होली रे रसिया, होली रे होली रे मरजोरी रे रसिया, आज मेरा जो में होली रे रसिया।
तो मर का नैया लाला तोने गाम के ओवर का नैया लाला तोने गाम राधा गोरी रे रसिया तोने गाम राधा गोरी रे रसिया आज मेरा दिल में गोरी रे रसिया तोने गाम के स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर जानकारी आपने दी, स्वागत है आपके चैनल का, आपका बहुत स्वागत है। यूट्यूब चैनल हो आपका चाहे न्यूज चैनल हो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत आनंद आ रहा है, अभी तैयार होके श्री जी महल जा रहे हैं। अच्छा। और अपना भांग ठंडा ये सब छान के चकाचक सब खा पी करके और ढाल तलवा अपना ढाल लेकर के अपना घंटा बांध करके जा रहे हैं श्री जी के दर्शन करके पुनः नीचे आएंगे और बरसाना की जो होरियारी है उनके साथ में होली खेलेंगे और उनसे हंसी खजूली करके फिर वो लठ मारेंगे और उनको हम अपने ढालों पे रोकेंगे। इस तरह से पूरा रंगीली गली में आनंद लेंगे, फूलों की बरसात, रंग की फुहारें, गुलाल की फुहारों के साथ में पूरा आनंद के साथ में आज होली मनाएंगे। जय जय श्री राधे। और आप ये जो पताका देख रहे हैं ये ध्वजा है, इसको लेकर गोस्वामी समाज आगे चलेगा और ये सीधा राधा रानी मंदिर पे जाएंगे, वहाँ पे होली की तैयारी करेंगे, उसके बाद लखमार होली खेलेंगे। देखिए अभी से यहाँ पे रंग गुलाल बरसने लगा है बरसाना में और अब पूरी तरह से लठमार होली का तैयारी हो गई है और सभी लोग जा रहे हैं राधा रानी मंदिर पे जहाँ पे लठमार होली खेलेंगे बरसानों की होरियारियों के साथ। और अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं रंगीली गली में जहाँ पे होरियारी तैयार हो रही है, उनको भी हम दिखाते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने लठों को तैयार किया है। चौक पर यहीं पे होगा थोड़ी देर बाद लठमार होली का आयोजन। आपने ज्यादा देखा था कि प्रियाकुंड पे सभी हुनियारे तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे रंगीली गली, ये वाली गली जो है ये रंगीली गली है, इसी में सारी हुनियारे तैयार हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आके जो रंगीली चौक है यहाँ पे लठमार होली का आयोजन होगा कुछ ही क्षणों में। रंगीली चौक में इस समय लठमार होली की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और कुछ ही पलों में लठमार होली होना शुरू होगी। उसमें अभी नंदगांव से जितने भी हुरियारे हैं वो अभी श्री जी के महल से नीचे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ढोलक धीरे करके थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आए हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये परंपरा शुरू होगी लठमार होली की। हम जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से कैसे होली खेलते हैं। बहुत ज़्यादा कर रहा है, जानता हूँ होली कब से खेल रहे हैं आप यहाँ? 24 साल से। अच्छा, तो ये कितनी पुरानी परंपरा है, कब से चल रही है? द्वापर के समय से। तो किस तरह की तैयारी करते हैं आप? हम इसके लिए तैयारी करते हैं, अपने कपड़ों को तैयार करते हैं, हाथ पांव में होने के बाद तैयार होते हैं, अच्छे से पांच मिनट लेकर तैयार होते आते हैं, होली खेलने के लिए बड़ा हर्ष होता है। आप देख सकते हैं कि लठों को तैयार किया जाता है एक महीने पहले से और इस तरह
से ये तैयारी करती है इस समय के लिए, और ये बड़ी प्रेम में होली है, बड़े भाव की होली है। आप देख सकते हैं कि नंदगांव के हुरियारे भी बिल्कुल आ चुके हैं, और अब आप यहाँ से लगातार होली का आनंद लीजिए। ये आप देख सकते हैं लठामार होली श्री धाम बरसाना में शुरू हो चुकी है, और उसका जो आप आनंद ले रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, ये बड़ी प्रेममयी होली है। और ये देख सकते हैं आप, जय हो जय हो जय हो। वह क्या बात है, परस्पर प्रेम की होली द्वापर काल से ये चली आ रही है। आप और ये आनंद आप देख सकते हैं रंगीली गली में श्री लखामार होली चालू हो गई है। आप ब्रज दर्पण परिवार और ये देख सकते हैं आप किस तरह का आनंद इस समय बरसाना के रंगीली चौक में है। जय हो, कोई हार ना जाए, काव की जीत ना हो, काव की हार ना होए। Thank you.
चलो